सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिपर ड्रग्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स के बारे में। सिपर ड्रग्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलग है और ये किस प्रकार काम करता है और इसका डोज ड्यूरेशन आपके बच्चे में कितना होना चाहिए। तो सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप, जो कि हमारे पास 30 ml का बोतल है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी 23.52 यानी कि 23 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डालेगा जिसका नाम है सिपाट्रॉक्सिल्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स, यानी कि इसके अंदर सिपाट्रॉक्सिल्स ओरल सस्पेंशन आईपी 125 एमजी इसके अंदर डाले गए हैं। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बच्चों में यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सरल भाषा में बताएं तो सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप एक एंटीबायोटिक्स दवाई है जो बच्चों की त्वचा, गले और टॉन्सिल्स को टारगेट करके बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन की वाइज डेंस के इलाज के लिए दी जाती है। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप का डोज और ड्यूरेशन की बात करें, यानी कि इसका डोज और ड्यूरेशन अपने बच्चों में अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पे इस्तेमाल करें यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पे इसका सेवन किया जा रहा है तो आपके बच्चे को साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपके बच्चों को हो सकता है मिसली आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, एलर्जी या सिर दर्द होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी सिरप्स के अंदर जो दवाई रहती है सिपाट्रॉक्सिस, वो एक एंटीबायोटिक्स दवाई है। ये बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग कवरिंग सेल वॉल के निर्माण को रोककर काम करता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ऐसा करने से यह दवा इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को और बढ़ने से रोकती है और इन्फेक्शन को आगे के इलाज के लिए प्रतिरोधी बनाए बिना इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप को यूज़ करने के पहले अपना जनरल पेजेसी या फैमिली डॉक्टर या फिर अपने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करें। बाद में इस ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल करें। अपने मन से सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो सिपाट्रॉक्स 125 ड्राई सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आई डी दिया है वहाँ पर बताएं। सिपाट्रॉक्स 125 एमजी ड्राई सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। कोई भी ड्राई सस्पेंशन या ड्राई सिरप्स का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।